नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इस बार के लोकसभा चुनाव में रोहतक लोकसभा सीट को हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है, जहां दिलचस्प मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुडा और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के बीच है। और इस कड़ी में कोसली विधानसभा से कांग्रेस प्रभारी सोनू हुड्डा की मौजूदगी में कोसली के नाहड़ खंड के अधिकांश सरपंचों ने भाजपा के खिलाफ उनकी अनदेखी का आरोप लगाते हुए अपना समर्थन दीपेंद्र हुड्डा को दे दिया है, जिससे कहीं न कहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा की मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि आने वाली 4 जून के नतीजों में ऊंट किस करवट बैठता है। इस संदर्भ में कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुडा को समर्थन देने वाले सरपंच की माने तो गांव के विकास की रूपरेखा गांव का मुखिया यानी सरपंच ही तय करता है, लेकिन भाजपा ने इनके सभी अधिकार छीनकर उन्हें एसआई बना दिया और अब ये अपनी मर्जी से गांव में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगा सकते, जिसके चलते इनके प्रदेश स्तरीय सरपंच यूनियन ने कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर कोसली से कांग्रेस प्रभारी सोनू हुड्डा ने सभी समर्थन देने वाले सरपंचों का धन्यवाद किया और आश्वासन दिया कि जिस प्रकार उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा का सम्मान बढ़ाया, उससे कई अधिक उन्हें दीपेंद्र की विजय के साथ दिया जाएगा। उसका खोया हुआ सम्मान और विकास कार्यों में धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। जो इन लोगों ने भाई दीपेंद्र को समर्थन दिया है, मैं आप लोगों में एक चीज का वायदा करता हूँ, जो पिछले 1.5 साल में आप लोगों से साथ जाती हुई है, आने वाले टाइम में अगर हमारी सरकार आती है तो आपके विकास कार्य ऐसे ही होंगे जैसे उड़ा सरकार में पहले हुए थे और आप लोगों को धन की कोई कमी नहीं होगी। सरपंचों की अधिकार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है। मैं दीपेंद्र की ओर से आप लोगों को वायदा करता हूँ कि आप लोगों के कार्यों में, विकास कार्यों में कोई भी विघ्न नहीं होगी और आने वाले टाइम में जो आपने मान सम्मान हमें दिया है, हम भी उतना ही मान सम्मान आपके सब उनकी रक्षितों के रक्षा करेंगे। इनको कोर्ट की चोट से नुकसान करने का फैसला लिया नाहड़ ब्लॉक की सारी सरदारी है और उसी के सिलसिले में आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं और हमारी प्रदेश स्तरीय जो यूनियन है उसका भी ये फैसला है कि इनका घर घर जाकर के हम विरोध करें और इनको हराने वाले जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो यहाँ से अपने भाई दीपेंद्र हैं उनकी मदद करें। हमारे पास यही एक विकल्प बचा है और भाई साहब ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही सरकार बनेगी वो हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, हमें काम करने की आज़ादी देंगे, गांव में विकास कराएंगे। इस वक्त तो हमारी गांव में हालत इतनी खराब है कि आम आदमी का छोटा सा भी काम सरपंच नहीं कर सकता। ये मेरे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट है, सरपंच के पास केवल 4 काम इस सरकार ने छोड़ रखे हैं। इवन देन दिल्ली तक भी बनाने के लिए सरपंच फिजिबल नहीं है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए पूरे ब्लॉक में पूरी अपनी सरदारी में सभी सरपंच साथियों ने भाई दीपेंद्र हुड्डा का साथ देने का मन बनाया है और ये पूरे प्रदेश के अपने जो भाई रणदीप सनैन जी है उनका भी यही आदेश है, वो हमारे मुखिया है यूनियन के, तो इसलिए आज इकट्ठे हुए हैं। रामपुरी सरदारी पूरा नाहड़ ब्लॉक समस्त नाहड़ ब्लॉक भाई दीपेंद्र हुड्डा को खुले मंच से समर्थन करते हैं और गांव गांव घर घर आप अपने गाँव में देखो, मैं पत्रकार बिंदु के माध्यम से सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार की तो नीतियाँ है, इनसे हम इतने परेशान हो गए, 1.5 साल में हमें सुनने के अलावा कोई काम छोड़ा नहीं है। सरकार ने इतनी पाबंदियाँ लगा रखी है जिससे कि हम इतने बंदिश में है कि कोई भी गांव का विकास कार्य नहीं कर सकते और हमारे प्रधान और हमारी यूनियन की तरफ से जो फैसला हुआ है बहुत ही अच्छा और सही समय फैसले ले गए हैं। हम आने वाले इलेक्शन में यही उम्मीद करते हैं कि भाई दीपेंद्र हुड्डा हमारे जीतेंगे और हमारे विकास कार्यों में पूरा सहयोग करेंगे। हम बात करें कोसली विधानसभा के या प्रत्येक नाहड़खंड की बात करें या डहीना और भी खंड हैं, क्या उन लोगों को भी साथ मिलाया जाएगा? बिल्कुल जी, उनसे भी बात चल रही है, बाकी खुल समर्थन में वे भी है, उनसे भी हम यही आशा करेंगे वो खुलकर सभी की यूनियन के साथ में चले और यूनियन से कंधे से मिलाकर कंधा चले जिससे कि हम अपने विकास कार्यों में बाढ़ का फड़ लगा सकें। 1.25 साल हो गए सरपंच बने, हमें जनता ने चुना था गांव के विकास के लिए
और इस निकम्मी नकारा सरकार की वजह से हम गाँव का विकास नहीं करा सके, इसलिए इस वक्त हमारी पूरी प्रदेश सत्रीय और नाहट ब्लॉक विशेषकर इन्होंने ये फैसला लिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन देते हैं खुले में, और उनकी सरकार बनने पर गांव में ये 1.5 साल का जो समय बर्बाद गया है इसका भी भरपाई करेंगे और विकास करेंगे। कितने सरपंच हम मौके पर पहुंचे हैं और कितने सरपंच जो पीछे नहीं आए? हमारे यहाँ इस वक्त लगभग 35 सरपंच हाजिर है, 2-4 सरपंच हमारे विशेष जरूरी काम से नहीं पहुँच पाए, समर्थन उनका भी है, लगभग पूरे नहाड़ ब्लॉक के हर सरपंच का समर्थन है हमारे साथ। किस तरीके से सरकार को चोट मारेंगे आप? सरकार को हम वोट की चोट का समय आ गया है, सरकार ने हमें चंडीगढ़ में ले जाके पीटा था, वो दर्द हम भूले नहीं है, उसका बदला हम वोट की चोट से लेंगे।